नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज पूरा देश जो है कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। दो ही धर्म इस वक्त हमारे सामने है, एक कोरोना नामक महाभयंकर बीमारी का और दूसरा धर्म जो होता है इसके अगेंस्ट में काम करने वाले मानवता इस धर्म का। हमारे साथ में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो मानवता इस धर्म को निभा रहे हैं। हमारे साथ में है श्री रामकिशन जी ओझा। ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। आप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसी तरह से प्रभा ताई ओझा समिति सेवा संस्थान के आप प्रेसिडेंट भी हैं। शुरुआत से ही ओझा जी, आप कोरोना से जब ग्रसित हुए हैं, शुरुआत से आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, क्या दौर रहा है आपका? इस बारे में मैं आपसे एक ही लोगों के सामने एक ही बात रखना चाहता हूं कि हम लोग इस समय एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जो करीब समझ लीजिए 102 वर्ष बाद फिर से हमारे देश में संकट का हम लोग सामना कर रहे हैं। न हमने कई ये परिस्थितियों का सामना किया है, न हमारे फादर ने किया है, न हमारे दादा ने किया है। अगर हमारे परदादाओं ने अगर 1918 में अगर किया है तो हयात में मौजूद नहीं है, जिसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है कि वो किस दौर कैसा दौर था और हमने उस परिस्थितियों का कैसा सामना किया। ये सब नई चीजें हैं, हमें नई चीजों का सामना करना पड़ रहा है, नई तरह का संकट है ये। जनता के सहयोग के साथ ही इस संकट को निपटा जा सकता है, ऐसी मेरी बिल्कुल धारणा है। हमें सबने मिलकर एकजुट होकर सभी धर्म संभाव को लेकर इस महामारी से लड़ना है और इसे बाहर निकलना है। हम लोग करीबन, मुझे जहां तक जानकारी है, 22 तारीख को महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू होने के बाद सडनली हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया पूरा 14 अप्रैल तक। इस समय क्योंकि संकट का हमें अंदाजा नहीं था कि इस देश में इस तरह का संकट वुहान से चाइना से इस तरह से आ जाएगा। संकट आने के बाद सडनली लॉकडाउन होने के बाद गरीब हमारे जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो बेगर हैं, जो मांग के खाते हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय करते आज हैं, कमाए और आज ही आज कमाए रोज खाने वाले लोग हैं, ये जो ये इनकी संख्या काफी बड़ी तादाद में है इस देश में, करीबन मुझे लगता है कि 50% से ऊपर है। और इस दौर में मैं वैसे जनरली महामंत्री रहने के कारण मुंबई रहता हूं, तो इस 17 मार्च को मैं नागपुर आया हूं और उसके बाद मैं 5-7 दिन 10 दिन घर में आराम किया। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भी मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, राजनीति काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता, तो मुझे बाहर निकल के लोगों का काम करना चाहिए। परिवार का विरोध रहा क्योंकि वो भी डर में थे कि भी ठीक है, तो परिवार का विरोध रहने के बाद भी मैं इस हमारे लोग, हमारे मित्र लोग, हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए लोगों ने मिलकर हमने बाहर निकल के काम शुरू किया। हमने इन लोगों के लिए, क्योंकि संकट का दौर है, लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हर तरफ एक पैनिक, एक सिचुएशन खराब है। तो हमने नागपुर शहर के महा निरीक्षक कमिश्नर साहब श्रीमान भूषण कुमार उपाध्याय जी और एडिशनल सीपी नीलेश भरने जी से संपर्क किया, उनसे कहा कि सर, इस दौर में हमें जनता की सेवा करनी और आपसे पूरा सहयोग हमें चाहिए। तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। नागपुर पुलिस ने हम लोग को, हमारे जैसे कई एनजीओ को साथ में लेकर नागपुर शहर में कोई भी भूखा नहीं सोए, ऐसा एक हमने विचार अपने बनाया और इसके ऊपर काम शुरू किया, एक बेहतरीन कदम की ओर जो है अग्रसर करना शुरू किया। तो सारे एनजीओ को मिलकर एक हमने युद्ध शुरू किया और जिसके अंतर्गत हम लोग नागपुर शहर में 50,000 से ऊपर फूड पैकेट्स, सभी संस्थाएं 108 संस्थाएं आसपास हैं, सब लोग मिलकर 50,000 के आसपास फूड पैकेट्स हर उस भूखे के पास पहुंचा रहे हैं जिसको इस अनाज की, उस राशन की, उस खाने की आवश्यकता है। मैं आभारी हूँ महानगर के इस महानगर के महानिरीक्षक सम्माननीय भूषण कुमार उपाध्याय जी का और नीलेश भरने जी का, जिन्होंने इस काम में इस जो मानव सेवी संस्था है उनको साथ में लेकर ये काम कर रही है। दूसरा मेरा, हम लोग जो काम कर रहे हैं, दूसरा एक हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग सैनिटाइजर और मास्क और एक डेटॉल सोप, इसकी किट्स बनाकर लोगों में और पुलिस विभाग में और हेल्थ डिपार्टमेंट में ये हमने वितरित किया है, जिससे कम से कम एक हाइजीनिकनेस ये जी, और उनको जरूरत भी है, वो सबसे बड़े योद्धा है आज के योद्धा वही है, तो उनको देने का हमने ये प्रयास किया है। दूसरा एक, मैं एक संस्था का, विप्र फाउंडेशन का, अखिल भारतीय
उपाध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उस माध्यम से हम लोगों ने 8 लाख इस देश में 8 लाख मास्क पूरे देश में बांटकर वो एक हमने एक विक्रम बनाया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, चंडीगढ़, यहाँ सारी जगह सब जगह मिलकर हमारे घर की महिलाओं ने ये काम किया है। उसके अंतर्गत नागपुर शहर में हमारे घर की महिलाओं ने 5000 मास्क, जनरल मास्क, एक जनरल आम जनता को हमने वितरित किए। मतलब सिर्फ आपकी जो मदद है वो सिर्फ नागपुर तक ही सीमित नहीं रही, हालांकि उसको आपने एक अलग प्लेटफॉर्म तक पूरे देश तक पहुंचाने का भी आपने कोशिश की है। हाँ, उस संस्था से मैं जुड़ा हूँ तो सब हमारे पास एक नेटवर्क है, लोगों का साथ है, लोग जुड़ने के लिए काम करने के लिए तैयार है। उन लोगों ने मिलकर इस देश में 8 लाख मास्क हमने इस क्रम में हमने बांटे। ओझा सर, आप जो काम कर रहे हो एकदम सचमुच बहुत सराहनीय है, तो लोगों का आपको कैसे प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, लोग तो इसमें काफी मदद कर रहे हैं। जैसे मेरे पास, हम लोग जो है दो सेक्टर में बटे हुए हैं, एक तो हम सामाजिक सेक्टर में बटे हुए हैं, एक हम जो कमर्शियल और जो समाज में काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। जो एक अग्रिम विचारधारा के लोग हैं, जो एक प्रोफेशनल है, बहुत बुद्धिजीवी है, और जिन लोगों को समाज में सेवा करने की इच्छा है, बट उन्हें महसूस होना चाहिए कि हमें ये, हम जो मदद कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही है क्या। अगर उन्हें एहसास होता है तो बाहर निकल के काम करने को तैयार है ये। लेकिन आज के दौर में सब अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हर आदमी को समझ रहा है कि लोग तकलीफ में हैं, अंदर से दर्द है लेकिन डर है, डर तो है, डर है कि वो, क्योंकि उसे पता है कि मैं खतरे में नहीं हूं, अगर मैं थोड़ा खतरे में होता हूं तो मेरा परिवार पूरा समय खतरे में है। तो घर में बैठ के काफी मदद हो रही है, लोग का बहुत अच्छा प्रतिसाद है। जो गिविंग जगह पे है और जो लेने वाले जगह पे, जो गरीब है, मजदूर है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से सहकार्य करके और मदद करके, मदद के साथ अपनी अपनी चीजों को लेते हैं। मैं उनका सब काम है। आप महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्देशित जो टास्क फोर्स है उसके भी एक एक्टिव मेंबर है, उसके तहत आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको कैसे वहन आपको करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आभारी हूँ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय बाला साहब थोरात जी का, कि उन्होंने मुझे ये एक जिम्मेदारी दी है, नियुक्ति की है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें हमने 2-3 कदम उठाए हैं। उसमें एक बड़ा ये उठाया है कि जो 9वीं 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, 8वीं 9वीं के, हमने वशताई गायकवाड़ से निवेदन किया कि वो इस पर निर्णय लें कि वो बच्चों का वो सप्लीमेंट्री एग्जाम एक्सेप्ट करके, मतलब उनको एक्सटेंड करते, आगे बढ़ाते। एक निर्णय उन्होंने मंजूर किया वशताई ने हमारी टास्क फोर्स का। दूसरा, हमने गवर्नमेंट से निवेदन किया है कि इस महामारी के दौर में गरीब तो है ही, भूखे हैं लोग, परेशानी में है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा में हमें थोड़ी मदद चाहिए। हमने उनसे कहा कि मोबाइल क्लिनिक वो शुरू करें जिसमें 6 से 9 महीने की जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कि बाहर लॉकडाउन किया गया है, भी प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ जगह शुरू है, इमरजेंसी कुछ जगह नहीं है, कुछ कैपेबल नहीं है बाहर जाने की, उन महिलाओं के वैक्सीनेशन किए जाए। जो 0 to 24 जो बच्चे हैं जिन्हें अत्यंत आवश्यकता इस समय वैक्सीनेशन की, उनका भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, उनके वैक्सीनेशन करने के लिए हमने माननीय नितिन गडकरी जी से, बाड़ा साहब थोरात जी से, अमित देशमुख जी से हमने निवेदन किया था। उस निवेदन को मंजूर करके पूना में हमें 9 एम्बुलेंस दी गई है, वो सुचारू ढंग से चल रही है। कल हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग थी जिसमें मुझे बुलाया गया था, महाराष्ट्र के अपने मंत्री सम्माननीय नितिन राउत जी, सुनील केदार जी, और डिविजनल कमिश्नर, महानगर पालिका कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर सभी मौजूद थे। उसमें उन्होंने हमारी इस मांग को कबूल किया है, जिसमें नागपुर शहर में भी वो इस तरह की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बाहर जा नहीं पा रहे हैं, जो डायलिसिस पेशेंट है, उनको उस मोबाइल वैन के तहत उनका उपचार किया जाएगा, उनको हॉस्पिटल तक ले जाने की सुविधा दी जाएगी। ये एक काम हम कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जैसे BPL है, अंत्योदय के जो लोग हैं लाभार्थी हैं, जो अपंग लोग हैं वो लाभार्थी, उनको सरकार 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और ये सब धान्य दे रही है, जिसका रेट कम है, कुछ चीजें फ्री भी हैं। तो उसके अंतर्गत हमने किया है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो जात पात की बात न करें, जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, हाथ ठेले चलाते हैं, पान टपरी चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, और कहीं खाना बनाते हैं, कहीं कुछ छोटा होटल व्यवसाय में काम करते हैं, ऐसे लोग भी बहुत निराधार हो चुके हैं जी। तो उनके लिए हमने निवेदन किया, राज्य सरकार से भी निवेदन किया है, राजस्थान भी मैंने निवेदन किया है, वहां भी उन्होंने लागू किया है, मैंने यहाँ पे भी निवेदन किया। तो इसके बारे में नितिन गडकरी, नितिन राउत साहब, नितिन जी राउत जी ने मुझे
ये भरोसा दिलाया कि उस पर जल्द से जल्द कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा जो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। जी ये भी बहुत सही कहा आपने, ये भी बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ है इस चीज की, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं यहाँ अटक गए उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो बाहर के लोग काम करने यहाँ आए उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो इस काम के लिए उन्होंने कल तुरंत निर्णय लिया है और निर्णय लेके टेम्पररी तौर अस्थायी तौर पर उनका राशन कार्ड बना के उनको अस्थायी तौर पर जब तक ये महामारी में हमको जूझ रहे हैं जब तक कि उनको राशन यहाँ जब तक मजबूर है यहाँ रहने मजबूर है उनको चावल और गेहूं और बाकी आटा दाल जो भी है उनको कम से कम रेट में देने के लिए प्रावधान किया गया। उसके अलावा हमने एक शिकायत उनसे की कि कुछ राशन दुकानदार भी है जो समय पर मदद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उन पर भी तुरंत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश कलेक्टर को हमारे सामने दिया है। जी ये भी सही मुद्दा है, एज अ न्यूज मेकर हम लोग भी उस पर ध्यान रखे हुए क्योंकि हमारा भी कुछ एक जिम्मेदारी जरूर बनती है उसके। नागपुर के आंकड़ों की हम बात करेंगे, वो जैसे एक बड़ा चिंतनीय विषय हो गया है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए नागपुर के आंकड़ों के बारे में हम भी बहुत चिंताजनक है, जनता को इस मामले में बहुत सतर्क रहना है और ये अत्यंत खतरे की बात है नागपुर शहर के लिए, आप लोग सब सावध रहे। लेकिन कल जो हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से जो बात हुई उन्होंने जो आंकड़े बताए उन्होंने दो चीजें बताई हैं कि इसमें हमारे यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड अभी तक नहीं हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ जो दो तीन इलाके हैं उसके अंदर दो तीन तरह की केसेस जो सामने आई है उसी पे उन्होंने फोकस किया है। जी कारपोरेशन की यंत्रणा जो उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, कल उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आड़ावा अपना सबमिट किया है, हर घर घर में जाकर 15 दिन के अंदर एक बार उनके स्वास्थ्य अधिकारी जाकर जानकारी ले रहे हैं और जो ये 70 के आसपास जो आंकड़ा पहुंचा उसका जो उन्होंने आड़ावा दिया उन्होंने कहा है कि इसमें 45 से 50 जो पेशेंट है वो एक ही केस से रिलेटेड है, जिसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उस व्यक्ति से रिलेटेड ये 45 से 50 केसेस है। बाकी की केसेस जो है जो बाहर से आई हुई है, कोई दिल्ली से आई हुई है, कोई कहीं से आई हुई है, अलग तरह के जो केसेस हैं जिन लोगों ने छुपाया है कि हम कुछ बताने के लिए उनको डर लगा है, इस टाइप की 20 केसेस हैं। तो इसमें डरने का कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके साथ साथ हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम खुश नसीब है कि इस वक्त हम पूरे शहर में नहीं फैले हैं और ये हमारा जो लॉकडाउन सफल हुआ है उसके कारण है। तो अभी भी हमें लॉकडाउन पर पूरा ध्यान रखना है, फोकस रखना है और ये कोशिश करनी है कि हम लोग कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड ना हो। सही बात है, इसके लिए हमें कुछ अपनी जिम्मेदारी पड़ेगी, सारी जिम्मेदारी हम प्रशासन के ऊपर में या सभी किसी को दोष नहीं दे सकते, कुछ जिम्मेदारियां अपनी भी है। चलते चलते हमारे दर्शकों का क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि स्वस्थ रहें, सेफ रहें, परिवार को सेफ रखें। आप अगर सेफ हैं तो परिवार सेफ है, आप अगर सेफ है तो आपका मोहल्ला सेफ है, आप अगर सेफ है तो आपका नगर सेफ है, आप अगर सेफ है तो आपका राज्य सेफ है, आप अगर सेफ है तो आपका देश सेफ है। इसके लिए आपको घर में रहना है, सुरक्षित रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, उनको अपने से और इस सोशल डिस्टेंस से काफी दूर रखना है। अपन तो रहना ही है, उनसे आप भी अगर बाहर जाते हैं तो उन बच्चों से भी आप दूर रहें, बुजुर्गों से दूर रहें, इतना ही कहना चाहता हूँ। और चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये माध्यम मुझे दिया, धन्यवाद। दर्शकों ये बहुत ही सीधी सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और सीधा सीधा मैसेज है कि सेफ अगर रहना है तो शुरुआत उसकी मुझसे होनी चाहिए। मैं अगर अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ तो मैं मेरे परिवार को, इस समाज को, इस शहर को और मेरे देश को सुरक्षित रख सकता हूँ। दोस्तों स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, अपना ख्याल रखें, देश का